2019 के अंतिम चरण का मतदान 19 मई रविवार शुरू हो गया, जहां मतदाताओं ने अपने अपने बूथ केंद्रों पर जाकर मतदान किया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान से प्रत्याशियों के भाग्य भी इस ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय के कई बूथों पर मतदान होना शुरू हो गया है, जहां आनंद नगर बीटीआई कॉलेज पर एक दूल्हे ने अपनी बारात को रोककर सबसे पहले मतदान किया और बताया कि मेरी बारात जाने वाली है पर मैं पहले वोट करने आया हूं। मैं पाटला जा रहा हूँ बारात लेकर। तो आप यहाँ मतदान करने? यहाँ पर पहले मतदान कर रहा था, उसके बाद बारात वहाँ पर तैयार खड़ी पर जाना है। पहले मतदान करेंगे फिर बारात लेके जाएंगे। वहीं खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मुजालदा ने अपने परिवार सहित बूथ क्रमांक 100 पर मतदान किया। इसमें अनुभव महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप खुद के लिए वोट डालना और जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। अभी हम देखें तो बड़े जो दिग्गजों की सभाएं भी, राहुल गांधी भी आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी आए, तो उसको लेकर अब क्या इम्पैक्ट लगता है उसका जो देखें? राहुल गांधी की सभा जो थी वो लोकल यहीं के लोग थे, यहीं के मतलब हमारे लोकसभा क्षेत्र के थे, और जो मोदी जी आए थे उसमें धार के भी थे, झाबुआ के भी थे, खंडवा के भी थे, तो और इंदौर से भी आए थे। इस हिसाब से हमारी सभा जो है फोकस्ड थी और जहाँ बेहतर परिणाम हमको मिलेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कितने वोट? लाखों के वोट से जीतेंगे। योजनाओं को लेकर हम बात करें तो दोनों तरफ से लुभावनी योजना तो दी जा रही है, लेकिन कितना असर लगता है कांग्रेस की 72,000 की? कांग्रेस की जो योजना है वो टोटल पब्लिक के हिसाब से, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया वो पब्लिक की सुन के किया है, हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया और उनके विचार जाने, उनकी मांगे जाने, और उसके हिसाब से 82 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र जारी किया है। वो हर वर्ग के लिए अनुकूल है और देश के विकास में बहुत ही निर्णायक साबित होगा, ये तय है। बयानबाजी को लेके देखें हम लोग, जैसे अभी शादी प्रक्रिया का मामला, यहाँ तक कि पीएम ने भी उस पर नाराजगी जताई, इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा नजर आता है कि? मैंने कुछ बयान ज़्यादा सुने नहीं, मैं तो अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जो धार्मिक जो भावनाएं भड़काने की बातें हैं वो तो निश्चित ही गलत है। जब पीएम भी उनके विरोध में बोल चुके हैं तो सवाल है कि गलत ही होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल इसको पढ़ा नहीं है। वहीं बूथों पर मोबाइल मतदान कक्ष में नहीं ले जाने से कर्मचारी और मतदाताओं के बीच कहासुनी भी हुई। कुछ मतदाताओं ने लाइटिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कई बूथों पर पहली बार मतदान करने युवक युवती पहुंचे तो कहीं पर बीमार महिलाओं ने तो कई जगहों पर दिव्यांग मतदाताओं ने भी वोट किया। पिंक बूथ पर महिलाओं को उत्साह नजर आया तो 95 वर्ष के बुजुर्ग ने भी अपना मताधिकार का उपयोग किया। वहीं एक बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर तहसीलदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई, जहां गीताबाई ने बताया कि मेरी जगह पर कोई और मतदान कर गया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। वोट डालने आई, क्या हुआ? अब लाइन में लग के वोट डालने की जगह पे गए तो वहाँ पर बोला खड़े करा, नंबर देख रहे बहुत देर तक, नंबर देखने के बाद बोल दिया कि आपका वोट ये वोट डला हुआ है। अब मेरे को बोले आप बैठ जाओ, आपका बाद में डलवाते हैं। अब वही बैठ के मैं रास्ता देखा करी कि भाई आप ये जो जैसा बोलेंगे वैसा। तो आपने जब वोट डाले नहीं तो आपका वोट डल कैसे गया? तो मैंने तो वोट डाला ही नहीं, मेरा तो ये मेरे हाथ में ही मेरे वोटर लिस्ट पर्ची मतदान है, तो मैं वही बैठी रही भाई ठीक है। हम साथ में गए थे, इनके पीछे नंबर लगी। क्या फर्जी मतदान हुआ है? हाँ फर्जी मतदान हुआ, फर्जी जो हुआ होगा। जब मेरा नहीं डला तो मेरा वोट ही नहीं डला तो कहाँ से, मतलब पहले ही डल गया मेरा। आपका वोट और कोई डाल के चला गया? हाँ मेरा वोट कोई डाल के चला गया। क्या नाम आपका? गीता भाई मंडलोई। हमला ये है कि ये गीता भाई मंडलोई 628 नंबर का इनका मतदाता क्रमांक है, बूथ क्रमांक 130 है। जब ये अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी और ये ओरिजिनल पर्ची जब लेके गए तो इनको पीठासीन अधिकारी ने पहले तो आधे घंटे बिठाया। आधे घंटे बिठाने के बाद इनसे ऐसा बोला गया कि आपका वोट डल गया। जब ओरिजिनल व्यक्ति का वोट वहाँ पर डल गया तो कैसे डल गया? पीठासीन अधिकारी की ये सारा गलती है और ये वोट हमको डलवाना भी है। हमने उनसे बात करी है, माननीय पीठासीन अपने SDM साहब से बात हुई हो, किसी को भेज रहे हैं, उनसे बात करके अगर ये फर्जी मतदान है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा मतदान नहीं हुआ लेकिन मतदान हो चुका था, किस तरीके का फर्जी मतदान की शिकायत है? ये मतदान केंद्र क्रमांक 130 विधानसभा 185 का मामला है, उसमें मतदाता गीताबाई मंडलोई है, उनके द्वारा जब वो अंदर वोट डालने के लिए जा रहे थे तब उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वोट डालना बताया गया और उनके नाम के आगे जो क्रॉस लगाते हैं विधिवत जो वोट डाला जाता है क्रॉस लगा हुआ था, तो उनको फिर टेंडर वोट के लिए आग्रह किया गया। वहीं एक मतदाता हर्षल ने बताया कि मेरा वोट मोतीपुरा में आता है,
लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट में